आपको रूम का टूर दे देता हूँ। तो गाइज ये है रूम, और ये पीछे टीवी लगा हुआ है, और ये सब कुर्सी वगैरह, और इस साइड है खिड़की, और इधर पीछे दिखता है पूरा व्यू खिड़की खोलने के बाद। और ये इस साइड है एक अलमीरा, और ये बेड, और ये विक्रम भैया। और पूरा रसोई का जो भी सामान होता है वो पूरा, प्लेट वगैरह सब कुछ। और ये इसका टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये है पूरा रूम। तो यार इस रूम की कीमत है लगभग ओयो पे 2300 रुपये, और हमारे को ये पड़ा है रूम, दो रूम हमने लिए हैं तो दो रूम हमारे को पड़े हैं ओनली 800 रुपये के। अगर आप में भी कोई घूमने जा रहा है और उसको रूम चाहिए इतना सस्ता, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, उसकी मैं हेल्प करूँगा। क्योंकि यहाँ पे यार शिमला में रूम वगैरह बहुत महंगे है, तो अगर आपको भी सस्ता रूम चाहिए, ये असली कीमत तो इसकी 2300 रुपये ही है मतलब पर डे की, और दो दो रूम की, और दो रूम हमने अभी लिए 900 रुपये के। अगर आप में से भी किसी को इतना सस्ता रूम चाहिए तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है या कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दूसरा दिन है हमें शिमला में, तो अभी चाय नाश्ता हो गया है और नहाना भी हो गया है। अभी हम निकलेंगे कुफरी के लिए, तो ट्रेन तो यहाँ से कोई चलती नहीं है तो बस पे ही जाना पड़ेगा। तो अब जल्दी से कर लेते हैं चेकआउट, क्योंकि चेकआउट का टाइम 5 मिनट ऊपर हो गया है। तो भाई यार कुफरी जाना था वो हो गया प्रोग्राम कैंसिल, और अभी हम लोग जा रहे हैं कसोल। और एक चीज जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसका यार किराया बहुत ज्यादा है, बहुत 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 महंगा है। अगर आप लोग कभी आओ तो खुद की गाड़ी लेके जाना, ये बहुत महंगा पड़ता है। राइट, इसके बाद में दम तो भाई जी यार अभी रुकी है बस 10 मिनट के लिए चाय, और ये खा रहा है ब्रेड पकोड़ा। चल रहे हैं ब्रेड पकोड़ा, मैंने ली चॉकलेट चॉकलेट। तो गाइज यार अभी बज चुके हैं रात के 10, और हम लोग पहुंच गए हैं शिमला से चल के, क्या नाम है यार इसका, भुंतरा। कुल्लू यहाँ से लगभग है 40 किलोमीटर दूर। तो 1 बजे से बस में बैठे थे तो हालात हो रखे ख़राब, हालात और हालत हो रखी है ख़राब। तो अभी हम लोग आए हैं बाहर, क्योंकि जहाँ जिस होटल में हम रुके हुए हैं वहाँ पे खाना वगैरह अच्छा मिल नहीं रहा था, तो अभी हम लोग आए हैं बाहर खाना खाने, तो अभी होटल ढूंढ रहे हैं यार। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और खाना खा के आ चुके हैं वापस होटल में, और सुबह उठने थोड़ा सा जल्दी 6 बजे उठ के, और फिर निकलना है घूमने के लिए। और आज यार ब्लॉग ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पूरा दिन थे बस में। तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। तो अपना प्यारे से बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।